आज से इस घर में वो होगा जो तू चाहेगी। और देखिए, भक्त वही अच्छा है, खुद तो भक्ति करे ही करे, साथ में अपने परिवारी जनों को भी। न करें तो इसका मतलब कोई ठेका नहीं ले रखा हमने। कई लोग ऐसे भी तो होते हैं जो अच्छी बात को अच्छा के मानते ही नहीं, क्योंकि संसार कैसा है। सुर नर मुनि सबके यह रीति, स्वार्थ लागे करें सब प्रीति। सब स्वार्थ से प्रीति करते, हाँ या ना? देवियों, घर में 10 दिन भोजन मत बनाओ अपने पति देव प्राणनाथ के लिए। कौन से नाथ के लिए? जो खुद ही संसार में अनाथ है। अनाथ मां बाप का होना ही नहीं होता सनाथ। जिसका परमात्मा का साथ ना हो वही अनाथ है। जिसके नहीं है परमात्मा साथ, वही है दुनिया में सबसे बड़ा अनाथ। तो जो प्राणनाथ हैं आपके, 10 दिन भोजन मत बनाओ। और कुछ नहीं, बुखार बुखार ना आ रहा हो, वैसे भी कोरोना का टाइम चल रहा है, सर पकड़ के बैठ जाओ, सर दर्द कर रहा है, जुकाम का नाम मत लेना, बुखार का नाम मत लेना, नहीं तो कोरोना टेस्ट करवा देंगे। सिर्फ कह दो सर दर्द कर रहा है, उठा नहीं जा रहा है, मम्मी ने मना किया है 10 दिन काम नहीं करना। फिर देखो तुम्हारे पति का प्रेम कैसे उमड़ उमड़ के आएगा और कितने सुंदर श्लोकों में निकल निकल के आएगा। सारा प्रेम कड़ाई में भुन जाएगा पकौड़ी की तरह। ये हर पत्नी को चाहिए कि हर पत्नी अपने पति की परीक्षा ले 10 दिन भोजन न बनाकर। राधे राधे। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। तो देवियों, तब कैसे लगेंगे आपके पति देव को आप? हैं जी, अच्छे लगेंगे ना? रोज आपको हलवा बना के खिलाएंगे, आपको जो पसंद है। नहीं मेरे प्यारे, नहीं। पति के तो बात छोड़िए, इस संसार में समय पर मां बाप भी बदल जाते हैं। संसार में जितने भी लोग हैं वो सब स्वार्थ पे डिपेंड है। माँ बाप का स्वार्थ बहुत कम है। माँ बाप तो यही चाहते हैं कि बुढ़ापे में हमारी देखभाल ये करे, इससे ज्यादा तो नहीं। पर संसार में निस्वार्थ प्रेम अगर किसी का है तो सिर्फ मेरे गोविंद का है, और किसी का भी नहीं, किसी का भी नहीं। और जो निस्वार्थ प्रेम मेरे गोविंद से ना करे, उसने अपने हाथों से ही अपने जीवन का, अपने जन्म जन्मांतर का जितना बुरा किया है कोई और नहीं कर सकता। ये मनुष्य जीवन हमें आराम से नहीं मिला है। कहते हैं ये संसार सागर क्या है? बोले कुआं है। बोले क्या करना चाहिए? बोले इसमें निपड़े नहीं रहना चाहिए। तो क्या करें? बोले इसमें से बाहर निकलना चाहिए। बोले बाहर निकल के कहां जाएं? बोले जंगल में चले जाओ, वन में चले जाओ। वहां जाके क्या करें? बोले गुरु की तलाश करो, उसके बाद बोले गुरु मंत्र का जाप करो, फिर बोले ऐसा इतना जाप करो कि इसी जन्म में तुम्हें परमात्मा का दर्शन हो जाए, कुछ और नहीं। दूसरे जन्म का भरोसा मत करो। अच्छा, कई लोग क्या करते हैं सुनना बड़े ध्यान से, कई लोग क्या समझते हैं कि हमारे पास इतनी जिम्मेदारियां हैं कि हम भक्ति कर ही नहीं सकते। घर देखें, परिवार देखें, बिजनेस देखें, जॉब देखें कि तो भक्ति करें, तो मजबूरियां है ना, तो मजबूरी में तो हम भक्ति कर ही नहीं सकते। ना प्यारे, ना।